पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी के पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर की दरिया दिली सामने आई है। पाकिस्तान का एक परिवार अपनी 6 साल की बच्ची की हार्ट सर्जरी के लिए भारत आना चाहता था, जिनकी मदद के लिए गौतम गंभीर आगे आए और विदेश मंत्रालय से अनुमति देने की अपील की, जिस पर 6 साल की बच्ची और उसके पेरेंट्स को वीजा जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। गौतम गंभीर ने इसके लिए विदेश मंत्रालय को 1 अक्टूबर को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से इलाज के लिए बच्ची और उसके परिजनों को वीजा देने की बात कही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें जवाब में 9 अक्टूबर को चिट्ठी लिखकर बताया कि पाक स्थित भारतीय उच्चायोग को उमैमा अली और उनके माता पिता को वीजा जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद शनिवार को गौतम गंभीर ने पाकिस्तानी बच्ची और उसके माता पिता को वीजा देने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया है। गौतम गंभीर ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा, उस पार से एक नन्हे दिल ने दस्तक दी, इस पार दिल ने सब सरहदें मिटा दी, उन नन्हे कदमों के साथ बहती हुई मीठी हवा भी आई है, कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे बेटी घर आई है। पाकिस्तानी बच्ची और उसके पेरेंट्स को हार्ट सर्जरी के लिए वीजा उपलब्ध कराने के लिए विदेश मंत्री का धन्यवाद। दिल को छू लेने वाले इस ट्वीट के बाद लोग गौतम गंभीर की मुक्त कंठ प्रशंसा कर रहे हैं।